जल शक्ति विभाग के मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के द्वारा रामपुर व निरमंड प्रवास के दौरान वामपंथियों को लेकर की गई टिप्पणी का मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने कड़ा संज्ञान लिया है। उनका आरोप है कि निरमंड क्षेत्र के एक गांव में किसान संगठन के द्वारा कुल के मरम्मत का मामला जब उठाया गया तो मंत्री ने संवैधानिक मर्यादाओं से हटकर तर्क दिया है। रामपुर में वार्ता के दौरान सीपीएम के जिला कमेटी सदस्य कामरेड बिहारी सेवगी, रामपुर लोकल कमेटी सदस्य प्रेम सिंह चौहान, ओम प्रकाश भारती और लालसा पंचायत के उप प्रधान तुलाराम ने कहा कि मंत्री द्वारा इस तरह से संवैधानिक मर्यादाओं को लांघा गया है। उन्होंने कहा कि बागवानी मंत्री के समक्ष कई स्थानों पर बागवानों ने बाजार में भारत में प्रतिबंधित दवाइयों को बेचने की शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने कहा कि ये दवाएं केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड से भी प्रमाणित नहीं है, लेकिन हिमाचल में सरेआम बेचकर बागवानों को लूटा जा रहा है। मंत्री को चाहिए कि सेब की बेहतर क्वालिटी और खुराक के नाम पर दे रहे एपिलिन सप्लीमेंट कैसे धड़ल्ले से बाजार में डेट एक्सपायरी वाला बिक रहा है इसकी जांच करें, जबकि भारत समेत कई देशों में इस तरह के सप्लीमेंट मानव स्वास्थ्य के लिए घातक मानते हुए बेचने पर प्रतिबंध है। उन्होंने सरकार व मंत्री से इस पर चुप्पी साधने पर भी संदेह जताया। इंसेक्टिसाइड बोर्ड है देश का, जिसने इंसेक्टिसाइड को रिकमेंड नहीं किया, वो रिकमेंडेड दवाइयां आज बाजार में बिक रही है, उस पर तो वो कंट्रोल नहीं कर रहे। अपने बागवानी विभाग के लोगों को और रेवेन्यू के विभाग के लोगों को गांव में नहीं भेजा है, जो अप्रैल मई जून में ओलावृष्टि और बर्फबारी से जो खरीफ की फसल है सेब की, अब जो बाकी फलों की, उनको भरपाई करने के लिए तो नहीं भेजा। कोई सरकार ने इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, उस पर तो वो कर नहीं रहे, लेकिन कॉमरेड उनको याद आ रहे हैं, है ना।